तभी जानता हूँ यति नरसिंहानंद सरस्वती को, यति आज वो सरस्वती शब्द लगाया है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा झूठा है। इतना ही नहीं, दुनिया का हर कुकर्मी है इसके, ये हर कुकर्मी है, मैं भी जानता हूँ भाई, दूर नहीं है, नोएडा के बगल में डासना में एक तो पीठ है, ये महिलाओं का शौकीन व्यक्ति है। अब यही सब, चूंकि ये सब मर्यादा विहीन चीज़ें होंगी, वो हम लोग के कल्चर की नहीं है, मैं भी जानता हूँ इसको, इसको संरक्षण प्राप्त है, ये हर कुकर्म करता है। यति नरसिंहानंद सरस्वती फर्जी बाबा, लतखोर आदमी, लतखोर है वो, वैसा व्यक्ति हमको सर्टिफिकेट देगा कि हम हिंदू फर्जी हैं कि सही हैं, उसके सर्टिफिकेट पर हम इस देश में हैं, उसके सर्टिफिकेट पर हम लोग देश में हैं। पहले तुम बताओ कि तुम फर्जी हो, अगर फर्जी नहीं हो तो इसको तत्काल, इतना ही नहीं, हमारे धर्म के धर्म गुरु हैं जो शंकराचार्य जी लोग हैं, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे फर्जी साधुओं पर जो समाज में विद्रोह पैदा कराने का काम कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। देखिए, यति नरसिंहानंद जो सरस्वती अपने आप में लिखता है, पहले तो साधु नहीं है, फर्जी साधु है, उसको तो इसको संज्ञान लेना चाहिए सनातनी धर्म गुरुओं को कि वो साधु के बेस में जो राक्षस टाइप का व्यक्ति समाज को गुमराह कर रहा है और किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी बोल दे रहा है, ये समाज को बांटने की जो पद्धति उसकी चल रही है वो आज की नहीं है। वो हम बराबर उसके बयान को देखते हैं, कभी भी उसने धर्म की बात तो कभी बोलता ही नहीं है, जब देखो तब हिंदू मुस्लिम, मुल्ला कटुआ इन सब शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसा व्यक्ति कभी साधु हो ही नहीं सकता। और उसने जो भी पैगंबर साहब को लेकर बयान दिया है और लगातार उस पर, देखिए वो सत्य में ये मानिए कि तो वो मतलब धर्म विरोधी व्यक्ति है, वो न ही सनातनी है, वो किसी के द्वारा वो संचालित होता है और हमेशा हिंदू मुस्लिम के बंटवारे की राजनीति में अपना योगदान वो निभाता है। सर, कुछ लोग तो उनके समर्थन में आ गए हैं ना, यति नरसिंहानंद? देखिए, मतलब कि उस समर्थन में तो आजकल स्थिति ये हो गई है कि पेट में भूख लगी है उसके लिए अगर कोई आंदोलन करता है तो उसके समर्थन में कम लोग आएंगे। आजकल धर्म के नाम पर लोग भीड़ इकट्ठा कर ले रहे हैं और धर्म की आड़ में जो ये गंदी राजनीति लोग कर रहे हैं, ये देश को कहीं ना कहीं कमज़ोर बना रहा है, चाहे वो किसी धर्म के लोग हों। मैं मतलब पर्सनली किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे सनातन की आड़ में भी कुछ राक्षस ऐसे घूम रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों के बीच में नहीं है, वहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा टकराव की राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं धर्म का चोला ओढ़कर। ऐसे लोगों को तत्काल सरकार को, इस देश की कानून व्यवस्था को संज्ञान लेना चाहिए, और ऐसे लोगों को अगर वो किसी भी धर्म के खिलाफ अगर वो बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं इस्लाम को खत्म हो जाना चाहिए देश से। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री इस्लाम को स्थापित किए थे क्या? नहीं, असम के मुख्यमंत्री इस्लाम, अरे मुख्यमंत्री जी, आपको जनता ने जिस जिम्मेदारी के लिए बैठाया है आप पहले वो काम करिए, आप अपना काम करिए। लोकतंत्र में मत के आधार पर आप मुख्यमंत्री बने हैं, आपको जनता ने जनमत दिया है, आप जनता के हितों के, जनता की समस्याओं पर काम करिए। कौन धर्म को ख़त्म होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, आप धर्म के निर्माता हैं क्या? धर्म के ठेकेदार बने हैं कि आपके हिसाब से कौन धर्म रहना चाहिए और कौन धर्म नहीं रहना चाहिए? ये स्वतंत्रता है और सारे धर्म कहाँ कहाँ से इस्लाम को ख़त्म कर देंगे? अगर असम के मुख्यमंत्री अगर ऐसा बयान दे रहे हैं, घृणित बयान, तो कहाँ कहाँ से इस्लाम को ख़त्म कर देंगे? या कोई भी अगर इस्लामिक धर्मगुरु अगर ये बोले कि सनातन को ख़त्म कर देना चाहिए, तो इस तरह का बयान कहीं ना कहीं उस नाकामी को दर्शाता है कि आप सत्ता सरकार में रहकर जनमत के वोट के आधार पर सत्ता प्राप्त करने वाले लोग अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जनता के कामों को पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं और उनको भटकाने का काम कर रहे हैं। तो क्या आपको दुखी है कि नहीं, नबी साहब के बारे में उल्टा सीधा बोले जा रहा है, तो आपको दुखी है कि नहीं आप? देखिए, एक चीज़ बताएं आपसे, नबी साहब या किसी भी धर्म पैगंबर या भगवान, किसी भी महात्मा, जो महात्मा है या महापुरुष है किसी धर्म का, अगर उसके खिलाफ कोई बयान देता है तो दुखी नहीं, ऐसे राक्षसों को जो भी बोल रहा है
ऐसे राक्षस मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, ऐसे राक्षसों को तत्काल जेल में डाल देना चाहिए जो देश में मानवता से मानवता को लड़ाने का काम कर रहे हैं, धर्म से धर्म को लड़ाने का काम कर रहे हैं, और उसकी आड़ में कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटी जो सेक रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको तत्काल प्रभाव से जेल में डाल देना चाहिए। आखिर राजनीतिक बातें, विकास की बातें क्यों नहीं चल रही है, हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? अच्छा एक चीज बताइए कि विकास की बातें कैसे चलेंगी? नहीं, जब बड़ी अच्छी राजनीति इसी की आड़ में लोग कर ले रहे हैं, चाहे कोई भी धर्म के लोग हों, एक बार भी बहुत से ऐसे नेताओं का नाम हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी साधु का चोला पहनते हैं, उनके मुंह से जब देखिए तब हिंदू मुस्लिम की बात निकलती है, कभी भी वो उन मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, न कभी शिक्षा पर बात करते हुए उनको आप पाइएगा, न ही कभी रोजगार पर बात करते हुए पाइएगा। इसी तरह से ऐसा नहीं है, एक हैं वो हैदराबाद वाले ओवैसी जी, उनको भी जब भी मैं सुनता हूँ तो वो आग ही उगलते हैं, धार्मिक आग उगलते हैं। तो ऐसे लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, उनको पहले तो जनमानस के बीच में टकराव पैदा नहीं करना चाहिए, और उनको अगर ऐसा वो करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के भी उनके खिलाफ भी उन्होंने नफरती बयान दिया, बोले आतंकवादी से तुलना कर दिए हो। तो देखिए एक चीज़ बताएं आपसे, यह जो कालनेमी टाइप के लोग हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के पैर की धूल जो नहीं हो सकता, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के गौरव थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल के जनक थे, इस देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले व्यक्ति रहे, और कभी भी उस महापुरुष ने कभी धर्म को लेकर, किसी भी धर्म विशेष को लेकर कोई बयान नहीं, जब भी उन्होंने बयान दिया, जब भी अपने वक्तव्य इस देश के लिए उन्होंने छोड़े रखे, तो उन्होंने देश की एकता और अखंडता को, देश के को किस तरह ऊंचाइयों पर ले जाया जाए, इसके लिए एपीजे अब्दुल कलाम ने, और अब्दुल कलाम के ऊपर चाहे जो भी कौन यति नरसिंहानंद सरस्वती ने जो बोला है, आए हम तो अब नहीं कहना चाहते, चूंकि देखिए कुछ चीज़ें तो यति नरसिंहानंद सरस्वती उतने बड़े महापुरुषों के खिलाफ जो बोल रहे हैं, चाहे वो पैगंबर साहब हों, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लिए बोल रहे हैं, पहले अपने गृहबान में जाके, मैं भी जानता हूँ यति नरसिंहानंद सरस्वती को, यति आज वो सरस्वती शब्द लगाया है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा झूठा है। इतना ही नहीं, दुनिया का हर कुकर्मी है इसके, ये हर कुकर्मी है, मैं भी जानता हूँ, भाई दूर नहीं, ये नोएडा के बगल में डासना में एक टोपीट है, ये महिलाओं का शौकीन व्यक्ति है। अब यही सब, चूंकि ये सब मर्यादा विहीन चीज़ें होंगी, वो हम लोग के कल्चर की नहीं है, मैं भी जानता हूँ इसको, इसको संरक्षण प्राप्त है, ये हर कुकर्म करता है, हर कुकर्म करते इसके साथ करेगा, जो विरोध में वो नकली हिंदू है, आप लोग नकली हिंदू है कांग्रेसी लोग, मतलब कि यति नरसिंहानंद सरस्वती फर्जी बाबा, लतखोर आदमी, लतखोर है वो, वैसा व्यक्ति हमको सर्टिफिकेट देगा कि हम हिंदू फर्जी हैं कि सही हैं, उसके सर्टिफिकेट पर हम इस देश में हैं, उसके सर्टिफिकेट पर हम लोग देश में हैं, पहले तुम बताओ कि तुम फर्जी हो, अगर फर्जी नहीं हो तो इसको तत्काल, इतना ही नहीं, हमारे जो धर्म के धर्म गुरु हैं, जो शंकराचार्य जी लोग हैं, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे फर्जी साधुओं पर जो समाज में विद्रोह पैदा कराने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करें। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है किसकी? अच्छा गिरफ्तार से ज्यादा मुकदमा दर्ज? नहीं, देखिए देखिए एक चीज बताएं, वो तो पहले का भी चोर है, कोई नया चोर तो है नहीं, चोर भी है वो, मतलब दुनिया का हर कुकर्म भी करता है, महिलाएं लेकर घूमता है, एक महिला तो उसके साथ ऐसी रहती है जो मैं जानता हूँ, उसको जानता भी हूँ कि वो अपना सब कुछ छोड़कर उसको उसकी रखनी हुई है, वो भी साध्वी बनती है, अपने को कहती है कि हम भी साध्वी हो गए हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इसको आप भी समझ रहे हैं, देश की जनता भी समझ रही है कि इसलिए नहीं हो रही है कि उसको कहीं ना कहीं से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इस समय चूंकि धर्म की आड़ में राजनीति सत्ता के लोग कर रहे हैं, और उस धर्म की आड़ की राजनीति उसकी कवच बनी हुई है, इसलिए वो बचा है,
नहीं तो निष्पक्ष अगर सरकार होती तो ऐसे धर्म के खिलाफ बोलने वालों के ऊपर, चाहे किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने वाले के ऊपर, तत्काल कार्रवाई करती और उनको जेल डालने का काम करती।